देखो माशाल्लाह, इसकी खुराक वाली थैली आप देख, बहुत अच्छी खुराक दे रहे हैं माशाल्लाह ये अपने बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह हमने पौधे परचेज कर लिए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो दोस्तों हम अपने जो पैरट पोर्शन है उसके लिए पौधे लेने जा रहे हैं जो हमने अंदर रखने हैं। क्यों इसलिए पहले लेने जा रहे हैं कि सुबह कलर वाले भाई भी आना है, उसका वादा है सुबह। उसने मुझे कहा कि सुबह मैं आकर लाजमी आपका पैरट पोर्शन कलर कर दूंगा। तो दोस्तों तो हम जा रहे हैं उधर पौधे लेने, आपसे उधर मिलते हैं नर्सरी में। हम नर्सरी पहुंच गए हैं, अपने जो बर्ड पोर्शन के अंदर पौधे वगैरह रखने हैं वो हम पौधे लेंगे। जो जो पौधा लेंगे सारे आपको दिखाएंगे और फिर हम अपने, क्यों इसलिए पहले ले रहा हूँ कि उनको कलर वगैरह हो जाएगा। दोस्तों अब हम पौधे लेते हैं, फिर मगरिब होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा, थोड़ा सा घर भी दूर है और सुबह ही आपको डिटेल दी जाएगी, लेकिन घर पहुंच के भी मैं आपको बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, माशाल्लाह हमने पौधे परचेज कर लिए हैं, तो इनको हम घर लेके जा रहे हैं, लोड हो रहे हैं। नाम अभी तक मुझे किसी का भी नहीं पता, यूट्यूब से देखेंगे, सर्च करेंगे इनका क्या क्या नाम है, ठीक है। तो अभी तो काफ़ी अंधेरा हो गया, काफ़ी सफ़र करके आए हैं, अब घर जाते हैं। अगर टाइम से पहुंच गए तो इंशाल्लाह अभी आपको अपडेट देंगे, बाकी नेक्स्ट सुबह इंशाल्लाह। काफ़ी रात हो गई है तो रिक्शे के पीछे पीछे ही हूँ कि कोई गिर ना जाए। अल्हम्दुलिल्लाह घर पहुंच गए हैं, तो रात हो गई है, तो शुक्र है सही सलामत हमारा कोई गमला वगैरह टूटा नहीं। भाई ने बड़े आराम आराम से रिक्शा चलाया है, अंधेरा काफ़ी हो गया है। बाकी इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे आपसे और इनको ऊपर पैरट पोर्शन में रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और खैरियत से हैं। तो दोस्तों जैसा कि कल हम ये प्लांट्स लेने गए थे और शाम के टाइम गए थे तकरीबन, तो रात हो गई थी हमें आते आते, तो इसलिए मैं इनकी आपको अपडेट नहीं दे सका था, क्योंकि मैं जिस इरादे से लेने गया था वो इरादा हमारा चेंज हो गया है। तो दोस्तों हमारा इरादा ये था कल लाने का, पेंट्स होने से पहले, कि हमें इनको कलर करवाना था इनके गमलों को, ठीक है। लेकिन हमारे एक दोस्त ने कहा कि आप इनको कलर ना करवाएं, इनके जो ग्रोथ अच्छी नहीं होती, गमलों के कलर करने की वजह से इनके मसाम बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हमारा वो इरादा चेंज हो गया दोस्तों। तो हमारे कलर वाले भाई भी आ गए हैं, ठीक है, इनको आज ऊपर शिफ्ट नहीं कर सके क्योंकि वो कलर उधर कर रहे हैं, गमले तो हम अपने कलर नहीं करवाने। बाकी वो दोस्त आ गए हैं कलर वाले, ऊपर चलते हैं, देखते हैं हमारा पेंट कहाँ तक पहुँचा, कितना हो गया, तो आपको भी दिखाते हैं। दोस्तों ऊपर चलते हैं, ये माशाल्लाह ये कलर कर रहे हैं, क्या हाल चाल है? आज हो जाएगा हमारा ये सर। तो दोस्तों ये वाइट वाश हो गया इधर पेंट का काम अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हो गया, ये वाला रूम, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, और माशाल्लाह इधर भी कलर हो गया है, ये सीमेंट था पहले आपको पता ही है, ये हो गया है, और सिर्फ हमारा जो जाल लगा है बाहर वो पेंट रह गया, वाइट वाश हो गया इधर। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि पैरट पोर्शन और ये वाला रूम इधर वाइट वाश हो जाए, ठीक है, इधर रहने दूँ, क्योंकि इधर गोट फार्म भी बनाना है और इधर ये भी हमने गिरा देना है, ये तो हमने पहले गिरा दिया था आपको पता है, ये भी अभी गिराना है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इधर ना करवाऊँ। फ़िलहाल हम अपना पैरट पोर्शन और ये वाला जो चीज़ें तैयार हैं इनको ही कलर वगैरह करवा लूँ, और बाकी काम इंशाल्लाह बाद में, जब हमने ये इधर बनाना है। ये मुर्गियाँ सुबह से बेचारी इधर बंद थी, तो कुछ मैंने किचन का बचा हुआ सामान इनको डाला है, वो इन्होंने खा लिया है, तो अब थोड़ा सा इनको दाना भी डाल देते हैं। अरे सुबह से बंद थी बेचारी, कलर हो रहा है, तो मैं भी आया हूँ कि इनको दाना डाल दूँ। आ जाओ, मुर्गियों को दाना डाल दिया है। दूसरा एक और दोस्तों, जो ये वाले चिक्स हैं इनको आज हम अलहदा कर देंगे, क्योंकि इनके चिक्स ये मारते हैं इनको, ये माशाल्लाह काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं,
इनको अब उठा लेते हैं इधर से, इनको उधर शिफ्ट कर देते हैं। इनको भी इधर शिफ्ट कर दिया है। ये भी येलो भी हमारे नीचे आ गए हैं क्योंकि ये पहले इधर था केज, तो इधर ये भाई कलर कर रहे हैं, तो ये भी इधर मैंने बंद कर दिए हैं क्योंकि अभी हमारे पक्के हो गए हैं इधर के, तो ये वाले बच्चे भी इधर आ गए हैं। ये चारों बच्चे इधर हो गए हैं तो कलर वाला काम ख़त्म हो जाएगा, फिर इनको ये खुला ही छोड़ देंगे। अब हम ये दाना वाइट बच्चों को डाल देते हैं। इनको खोल ही देता हूँ, आ जाओ आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमारे जो ये सिल्की बच्चे हैं तो दोस्तों इनको भी खोल देते हैं, ये बेचारे सुबह से इधर ही बंद है। आ जाओ आ हा 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 हा, आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, देखते आते हैं नहीं खुद ही आ गए। एक तो आ गया तो दूसरा भी आ गया। गर्मी काफ़ी है तो इनको थोड़े से पानी भी लगा देते हैं कि ठंडी ठंडी हवा चले, छाँव आ गई है इधर, और अंदर पानी भी डाल। इसको मैंने नहीं खोला क्योंकि दोनों बच्चे वाली और ये वाइट सिल्की बच्चों को और जो वाइट हीरा के बच्चे हैं उनको ये मारती है, इसलिए इधर ही बंद है। दोस्तों ये जो हमारा वाइट डैनिश का पेयर है इनका माशाल्लाह एक चिक्स ये काफ़ी, और इन्होंने ये दोबारा अंडे भी दिए हुए हैं, और मैंने इसके पाँव में ये रिंग भी डाल दिए थे। दो कहीं पर बैठते हैं या नहीं, इनको बच्चे को बाहर निकाल देते हैं इधर। तो माशाल्लाह अच्छा पाल रहे हैं अपने बच्चों को दोस्तों, काफ़ी सेहतमंद हो गया है। और ये ब्लैक डैनिश ने भी अंडे दिए हुए हैं, इनके पहले अंडे ख़राब हो गए थे, तो अब ये जो वाइट डैनिश का पेयर है ये देखो माशाल्लाह, इसकी खुराक वाली थैली आप देख, बहुत अच्छी खुराक दे रहे हैं माशाल्लाह ये अपने बच्चों को। देखिए मुझसे खुराक मांग रहा है, समझ रहे मैं इसको खाना खिलाने आया। इन्होंने अभी तक अंडे नहीं दिए, ऊपर वाले वाइट डैनिश ने अंडे दे दिए, ऐसे भी तैयार हैं एक दो दिन तक, ये भी तैयार है। दोस्तों सिर्फ आज वाइट वाश हुआ है और पेंट नहीं हुआ, जो हमारा जाल हमने लगवाया है वो सुबह हो जाएगा। ये पता नहीं दो नंबरी क्यों करते हैं हमारे साथ, कह के जाते हैं कि आज कंप्लीट कर देंगे लेकिन कंप्लीट इनसे होता नहीं है, तो वादा खिलाफी करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बुखारी बर्ड्स व्लॉग को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।